जनमानस का परिष्कार करके ही सतयुग का वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य अपनाने के लिए यदि मनुष्य को सहमत किया जा सके तो वह दयनीय दुर्दशा में से स्वयं उबर सकता है और अल्प साधनों में भी महामानव स्तर का देवोपम जीवन जी सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम तीर्थ यात्रा इस तरह की जाए। पुस्तक परिचय। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार तीर्थ यात्रा पैदल होती थी। कोई विशिष्ट ज्ञानवान व्यक्ति अपने साथ छोटी धर्म प्रचार मंडली लेते थे और गांव-गांव अलख जगाते, पड़ाव डालते, लंबी यात्रा की योजना बनाते थे। किस मार्ग से चलकर कहां होते हुए किधर से लौटा जाए, यात्रा का आरंभ और अंत कहां किया जाए, इसका निर्णय करते समय प्रेरणापद ऐतिहासिक स्थान व प्रकृति के शोभा स्थलों का भी ध्यान रखा जाता था। महामानवों की कर्मभूमियां तीर्थ कहलाती थीं। देवालयों का दर्शन, नदियों का स्नान, पर्वतों का आरोहण, यह तो तीर्थ यात्रा का आवरण कलेवर था। उसका प्राण तो ज्ञानार्जन और ज्ञान प्रचार में ही सन्निहित था। प्राचीन काल में तीर्थ स्थलों में ऐसे महापुरुषों के आश्रम थे जहां आगंतुक सत्संग लाभ लेकर अपनी जीवन समस्याएं सुलझाते और भविष्य के लिए उपयोगी साधन लेकर वापस लौटते थे। तीर्थ यात्राओं का मार्ग निर्धारण भी इसी दृष्टि से होता था। पर्यटन के अनेक लाभ भी हैं। इसमें स्वास्थ्य सुधार, अनुभवों की वृद्धि, परिचय क्षेत्र का विस्तार आदि प्रमुख हैं। व्यवसाय विस्तार की संभावनाएं खोजने का अवसर भी पर्यटन में मिलता है। पर्यटन अपने आप में एक उद्योग है। इससे यात्रा स्थलों के दुकानदारों को, श्रमिकों को प्रत्यक्ष रूप से और अनेक स्थानीय लोगों को परोक्ष रूप से आगंतुकों की आवश्यकता पूरी करते हुए आजीविका मिलती है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। तीर्थ यात्रा का अर्थ क्या है? तीर्थ यात्रा कैसे करें? तीर्थ यात्रा के लाभ क्या हैं? कैसे करें तीर्थ यात्रा के मार्ग का निर्धारण? उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो हमें तीर्थ यात्रा का सही अर्थ समझाते हुए तीर्थ यात्रा के प्रयोजन एवं इससे होने वाले लाभों को भी स्पष्ट करती है। पुस्तक के मुख्य अंश। तीर्थ यात्रा मंडलियों का गठन और प्राचीन आधार पर उनका प्रचलन किया जा सके तो जन जागरण की महती आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। यदि सुयोग्य, सुसंस्कृत और भावनाशील व्यक्ति लोक मंगल की आवश्यकता को समझे और अपने ज्ञान के साथ साथ समय श्रम को उसके लिए नियोजित करने के लिए कटिबद्ध हो जाए तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान की, धर्म जागरण की, भावनात्मक परिष्कार की महती आवश्यकता पूरी करने का मार्ग निकल सकता है। विचारशील लोगों को, साधु ब्राह्मणों को, वानप्रस्थों को, धर्म प्रचारकों को पुण्य परंपरा तीर्थ यात्रा को पुनर्जीवित करने के लिए आगे आना चाहिए। तीर्थ यात्रा पर निकलने वाली प्रचार मंडलियों को जनमानस में नवयुग के अनुरूप प्रगतिशीलता स्थापित करने के लिए प्रवचन शैली में धर्म कथाओं का समावेश एवं सहगान कीर्तन की समन्वित शैली को अपनाकर चलना चाहिए। प्राचीन काल में पदयात्रा और तीर्थयात्रा पर्यायवाची शब्द थे। अभी भी वह परिभाषा यथावत रहनी चाहिए। प्रचारकों को गांव-गांव, झोपड़े-झोपड़े जाने का लक्ष्य रखकर चलना है तो यह कार्य द्रुतगामी वाहनों पर सवार होकर बढ़िया रास्तों से गुजरने पर संभव ना हो सकेगा। जो दूर नहीं जा सकते, घर नहीं छोड़ सकते, वे नित्य एक दो घंटे समीपवर्ती गली मोहल्लों, बाजारों, कारखानों में जनसंपर्क के लिए निकाल सकते हैं और झोला पुस्तकालयों की, ढकेल गाड़ी चल पुस्तकालयों की
सरल प्रक्रिया अपनाकर सत साहित्य पढ़ने देने व वापस लेने का कार्य कर सकते हैं। धन दान से अधिक ब्रह्म दान का महात्म्य बताया गया है। यही कारण है कि धन दानियों की तुलना में ब्रह्मदानी, ज्ञानदानी, साधु ब्राह्मणों को कहीं अधिक सम्मान दिया जाता रहा है।